स्टेट, जहां पर कई गेम और कई इन्होंने मेडल जीते हैं नेशनल गेम्स में, और खेलो इंडिया में इनका रनर्स रहे हैं, हालांकि महाराष्ट्र रहता रहा है, तो ये उस स्टेट से बिलोंग करती हैं। एक वर्तमान में वो ज्वाइंट डायरेक्टर हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रही हैं। इन्होंने ये खिलाड़ी भी बहुत रही हैं, उन्होंने 1984 में 1984 में नेशनल चैंपियनशिप जीती जो कि जबलपुर में हुई थी, और इन्होंने कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लिया, और इन्होंने 1982 में जो इंडिया के अंदर एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो मैडम का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में अपने गेम को और जिम्नास्टिक को बढ़ाने के लिए। तो मैं इनवाइट करता हूं मैडम सुनीता शर्मा, अर्जुन अवार्डी। मैडम सुनीता शर्मा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुनीता शर्मा, मैं अपने विचार आपके साथ साझा करती हुई आपको ये बताना चाहूंगी कि खेल शब्द अरबी भाषा का से संबंधित है, जिसका अर्थ है विचार। एक ही विचार के भिन्न भिन्न लोगों के समूह को टीम कहलाता है। टीम का एक लक्ष्य होता है जीत प्राप्त करना। लक्ष्य की प्राप्ति ना पाना हार कहलाती है। इसी प्रकार हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है। जिम्नास्टिक को सभी खेलों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे कम उम्र में प्रवेश कर सकता है, जिससे शरीर में कठिन परिश्रम करने अभ्यास और लचीलापन पनपता है, जो इसको रुचि अनुसार किसी भी गेम में को चुनने में अपना भविष्य बनाने में सहायक होता है। जिम्नास्टिक से शारीरिक लचीलापन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना भी अति आवश्यक है। जिस इवेंट पर खिलाड़ी कोई भी एक्सरसाइज सीखता है उसी उसकी बेसिक्स को जानना अति आवश्यक होता है। जिम्नास्टिक की कोई भी एक्सरसाइज में परफेक्ट होने के लिए उसकी हजारों ही संख्या में दोहराना जरूरी है। परफेक्शन लाने के लिए हमें एक ही एक्सरसाइज की रेपिटेशंस को देना और उसको ऊपर परफेक्शन लाना मेन पॉइंट्स होते हैं। यही बेसिक सीखने का सबसे बड़ा समय आपके लिए और आपके सामने है। हरियाणा में खेल नर्सरियों स्कीम की बहुत ही योजना चल रही है, जिसमें 8 साल से 14 साल के बच्चे और 15 साल से 19 साल के बच्चे अपना प्रवेश लेते हैं। मेन मकसद हरियाणा का यही है कि कम उम्र के बच्चों को इस गेम में और प्रोत्साहित किया जाए, केवल इसी गेम में नहीं और अन्य 24 गेम हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है हमारे लिए। और इसमें 8 साल से 14 साल के बच्चों को 1500 रुपया और 15 से 19 साल के बच्चों को 2000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है, और ये बहुत अच्छे से रन कर रही है। इसमें हमें बहुत नेशनल लेवल के अचीवमेंट्स मिली हैं आज से 15 साल पहले, और अब भी जो चल रही हैं इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट करते हैं इसको, और जिससे बहुत ही हमें फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार फिर आज के खिलाड़ियों को जिम्नास्टिक में और ये आपके जो इस उम्र के बेसिक सीखने वाले टाइम है उसके ऊपर फोकस करें और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने में, सब जूनियर नेशनल लेवल पर आने में और अच्छा प्रतिभा को निखारने में मौका मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सुनीता मैडम, आपने हरियाणा स्टेट की जानकारी दी और खेलों में आगे कैसे बच्चे आए उसके लिए आपने बताया, और बच्चों को ये भी बताया कि भी परफेक्शन लाने के लिए रेपिटेशन जरूरी है। तो हम भी बोलते रहे हरदम कि बच्चों देखो ये जिम्नास्टिक थोड़ा कठिन गेम है, इसमें खूब करना पड़ता है, बोरिंग होता है और हजारों बार लाखों बार एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं तब परफेक्शन आता है। तो धन्यवाद मैडम सुनीता मैडम, और हम ये बताना चाहेंगे मैडम को ये टीम हमारी है, मिस्टर आर एन मंगला हमारे एक्सपर्ट हैं,
और मैडम संध्या कोल हमारी एक्सपर्ट हैं, और तीसरे नंबर डॉक्टर पी रविंदर और मिस्टर रोहित जायसवाल हमारे इंटरनेशनल जिमनास्ट, ये हमारे आज के जो बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं उनके एक्सपर्ट हैं, और एक हमारे साथ लखन है, लखन शर्मा, जो हमारे म्यूजिक को कंट्रोल कर रहे हैं कलकत्ता से। तो आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं रोहित को इनवाइट करता हूँ। पठान साहब आप ज्वाइन कर गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑन स्पोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई वेलकम एंड थैंक्स मिस सुनीता शर्मा अर्जुनावाड़ी एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस जिमनास्ट ऑफ आवर कंट्री एंड थैंक यू मैम कि आप आए, बच्चों को मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पेशली ईस्टर्न सेंटर रीजनल डायरेक्टर ईस्टर्न सेंटर की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन जिमनास्टिक ये ईस्टर्न सेंटर कलकत्ता को दी गई है, और उनके भाव के ऊपर मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए, बच्चों को मार्गदर्शन किया, बच्चों को टिप्स दिए, और मुझे आशा है कि बच्चे जो आपने टिप्स दिए हैं जो आपने बोला है उसको अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर पठानिया। आप मैडम को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर पठानिया हमारे कोऑर्डिनेटर है, ये चार पांच गेमों का पूरा कंट्रोल कलकत्ता से कर रहे हैं, और बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम चल रहा है, और हम सभी इनके बड़े आभारी हैं कि हमें सभी को मौका दिया इन्होंने, और सभी खिलाड़ियों को आप जैसे को भी लाने का हमें मौका दिया कि हम बच्चों को बताए कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो और पठानिया साहब कोई है, शुरू करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। रोहित सभी बच्चे तैयार हैं। तो हम अपना वार्म अप स्टार्ट करने से पहले आपको याद है ना, सर ने बताया था अपना हार्ट रेट लेना है, पल्स लेना है, तो सभी बच्चे अपना हार्ट रेट ले लें और अपनी डायरी में नोट कर लें। छोटे बच्चे जो है उनके उनके पेरेंट्स उनको हेल्प कर दीजिए, और पल्स रेट लेके अपने आप चैट बॉक्स में लिख दिया, डायरी में भी नोट कर लीजिए। चलिए, वेरी नाइस। सभी बच्चे अपनी जगह वापस आ जाएं एक्सरसाइज के लिए। ऑन योर प्लेस, अपनी जगह पे सब बच्चे खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए। रिद्धि अपनी जगह पे खड़े हो जाइए बेटा। भूमि ऑन योर स्पॉट, जल्दी से। चलिए, वी विल स्टार्ट विथ रिस्ट एंड एंकल रोटेशन। आपको याद है हम लोग रिस्ट और एंकल रोटेशन पहले करेंगे। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, साइड चेंज, 1, 2, 3, 4, साइड चेंज, अदर लेग्स, 1, 2, 3, 4, साइड चेंज, 1, 2, 3, 4, एक्सरसाइज चेंज, नेक रोटेशन। सभी बच्चों के हाथ कमर के ऊपर, पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, side change, 1, 2, 3, 4, side change, left, side change, right side, and exercise change, shoulder rotation करेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा distance। इसमें ध्यान देने की जरूरत है, आपके एल्बो और फिंगर्स मिले हुए रहेंगे। स्टार्ट, फॉरवर्ड, अप, बैक, अप, चेंज, फॉरवर्ड, 1, 2, 3, चेंज, बैक, चेंज, एक्सरसाइज चेंज, हाथ कमर के ऊपर, सभी के हाथ कमर के ऊपर, पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस। ट्रंक रोटेशन स्टार्ट, 1, 2, 60, come on, 3, 4,
साइड चेंज, 1 2 3 4 साइड चेंज, 1 रणदीप हाथ कमर के ऊपर आपके, उचिता रंजीत हैदराबाद हाथ कमर के ऊपर, साइड चेंज, 1 2 3 4 एक्सरसाइज चेंज, हिप जॉइंट रोटेशन, हाथ कमर के ऊपर, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, स्टार्ट, 1 अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है, 2 3 4 साइड चेंज, 1 2 3 4 साइड चेंज, 1 2 3 4 सिमरा ध्यान दीजिए एक्सरसाइज पे, 1 2 3 4 एक्सरसाइज चेंज, नीज बेंडिंग, नीज बेंडिंग, 1 up 2 up 3 up 4 up एक्सरसाइज चेंज, कौन बॉयज एंड गर्ल्स ऑन योर प्लेस, जॉगिंग हम लोग करेंगे, दिया खड़ी जाइए, जॉगिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 कौन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 change, come on high knees, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 change, heels kick back, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Raghav, come on, toes tight, 13, 14, exercise change, scissors step forward and backward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change, relax, ek chota sa capsule break, come on. लखन सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, मैडम लखन अनम्यूटेड है, मैडम अच्छा, चलिए एक बार फिर जॉगिंग के लिए तैयार, कम ऑन, लखन शर्मा अनम्यूटेड, देखना मैडम इसका जॉगिंग, 1 2 कम ऑन, कौन अभी जगह, मैंने कोहोस्ट बना दिया था उनको, ओके थैंक यू मैडम, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 change, high knees, come on, आपका जो knees है कमर के ऊपर जाना चाहिए, पीछे नहीं, कमर के ऊपर knees, 3 4 मैत्री, very good, come on, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 change, heels kick back, come on, heels kick back, 1 अक्षरा पंजाब अमृतसर कीजिए, 4 5 6 7 8 9 भाव्या कम ऑन, 3 कौन 14 चेंज, सीजर स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 change, relax, shake your legs, shake your arms. Come on your face. चलिए अपनी जगह पे वापस आ जाइए सब लोग, ऑन योर प्लेस, अब हम लोग करेंगे जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक्स के लिए तैयार, अमोक कम ऑन अमोक, रेडी स्टार्ट,
जंपिंग जैक स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चेंज स्ट्रेट बॉडी जंप हाथ ऊपर हाथ सब बच्चों के कान के साथ रहेंगे नीज टाइट हिप्स टाइट चेस्ट इन कम ऑन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change. Body twisting. Come on, Durdhani. Come on, come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ananya tha, dhyan dijiye. Ananya Hyderabad. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change. Squat sit and jump. इसमें ध्यान देने की जरूरत है हाथ कान के साथ लगे रहेंगे हमेशा जंप स्ट्रेट बॉडी करना है कम ऑन गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चेंज चेंज छोटा सा ब्रेक चलिए वापस अपनी जगह पे कमॉन वापस अपनी जगह पे कमॉन अनन्या सिद्धार्थ कौन रेडी एक बार फिर जंपिंग जैक्स करेंगे हम लोग स्टार्ट 1, 2 अवनी फ्रॉम औरंगाबाद कमॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चेंज Head body jump 1. Come on, Madhav. Madhav from Gurdaspur. Come on, good boy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arms straight. 11, 12, 13, 14, 15. Change. Body twisting. 1, 2. Damanna, Nayas Patiala. Come on, do it. Damanna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change. Squat sit and jump. जब squat sit and jump करेंगे तो पूरा stretch करेंगे और jump के समय knees और toes tight रहेंगे. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anvi, Yogesh. Come on, do it. 10, 11, Ishita Chaudhary, 13, 14, 15, change. Rest, thoda sa rest. थैंक यू लखन सर थैंक यू चलिए सभी बच्चे वापस अपनी जगह पे
आपको याद है ना सर ने बताया था सबको स्टिक्स लेके आनी अपनी 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 स्टिक उठा लीजिए। रेवती साई तलीचल स्टिक लीजिए। वेरी नाइस। आपका जो स्टिक पकड़ने का तरीका है वो आर्म्स शोल्डर लेवल पे पकड़ेंगे, शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे। कौन? अब हम लोग करेंगे हील्स रेजिंग अपवर्ड और हाथ इसमें कान के साथ हमेशा लगे रहेंगे। चेस्ट को थोड़ा इन करना है, नीज टाइट रहेंगे, हिप्स टाइट रहेंगे। शोल्डर एंगल पूरा स्ट्रेच कीजिए और हाथ कान के पीछे। रेडी स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। हंसिका बेटा हाथ और सीधे कीजिए। 6, 7। लक्षिता आर्म्स स्ट्रेट। 10। अक्षरा ओडिशा आर्म्स स्ट्रेट। 13, 14, 15। चेंज स्क्वाट से स्टैंड अप। इसमें ध्यान क्या देना है आपको, दोनों पैरों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रहेंगे। जब आप नीचे बैठते हो तो बैक स्ट्रेट रहेगा, चिन स्ट्रेट रहेगा। रेडी अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सागर कम ऑन गुड बॉय। 7, 8। सागर आर्म स्ट्रेट। 9, 10 एंड चेंज। चेंज स्टिक बगल में रख दीजिए। अब हम लोग करेंगे लंजेस। लंजेस में क्या ध्यान देने थे, हाथ सबके कमर के ऊपर, हाथ कमर के ऊपर। रेडी स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिया चौधरी उज्जैन कम ऑन कम ऑन। 7, 8, 9 कम ऑन लास्ट 1, 10 एंड चेंज। काजल शर्मा बीकानेर बहुत अच्छा कर रही हो, कम ऑन। अब हम करेंगे साइड सिटिंग। दोनों पैरों को खोलना है, थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में। हाथ सामने की तरफ, आर्म सामने की तरफ, चिन अप, लुक फॉरवर्ड, राइट साइड डाउन। 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, 7, 8, 9, 10 एंड चेंज। अब हम लोग करेंगे ट्रंक बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। टेक योर स्टिक अगेन, स्टिक ले लीजिए, स्टिक दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। कीप लिटिल बिट डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स। रेडी बेंड फॉरवर्ड, पूरा खींच के दूर से बेंड फॉरवर्ड, और नीचे और नीचे और नीचे। अप 2, up, 3, up, 4, up। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हाथ कान के साथ। 5, up, 6, up। वर्षा बेटा आर्म्स स्ट्रेट, लेग्स स्ट्रेट, नीज टाइट। 6, up, 7, 8, 9, 10, 11 come on 12, 13, 14, 15, 16, 17 knee side, 18, 19, 20 and change, 20 change। अब हम लोग करेंगे साइड बेंडिंग। पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। मैं देख रहा हूं कि आर्याना आपके आर्म्स स्ट्रेट नहीं, आपके पास स्टिक नहीं, हाँ ले लीजिए, गुड गर्ल। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। आर्म्स अप। 1, 2, 3। एक लाइन पे बॉडी, एक लाइन पे बॉडी, एक लाइन पे बॉडी, एक लाइन पे। कौन कौन? डू इट, डू इट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिद्धि, रिद्धि कम ऑन, रिद्धि खुशी औरंगाबाद। कौन कौन कौन?
16, 18, 19, 20 and change. Relax, rest. वास्तु आप थोड़ा पीछे सर सकते हैं बॉल की तरफ पूरा और पीछे और पीछे और पीछे थैंक यू रतन सर वापस सब बच्चे जगह पे बैक ऑन योर प्लेस रतन सर थैंक यू बैक ऑन योर प्लेस सब लोग अपनी जगह पे लेट जाइए सभी बच्चों को याद है जैकनाइफ पोजीशन कैसे होती है कम ऑन शो योर जैकनाइफ पोजीशन दिया शैली जैकनाइफ पोजीशन कम ऑन कविशा कम ऑन फास्ट कविशा हाथ ऊपर कान के साथ Ready? Start. 1, 2. Toes tight, knees tight. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anandi, come on, Anandi. Hyderabad. 13, 14, 15. Change. Banana position. बनाना रॉकिंग करेंगे हम लोग स्टार्ट 1, 2 हाथ कान के साथ बेटा कान के साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्राची बेटा पैर मिलाइए 13, 14, 15 चेंज अदर साइड कौन 1, 2, 3, legs together, Sarthik, legs together, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change, other side, 1, 2, 3, 4, बॉडी स्ट्रेट रखिए अनुश्री पटवाल कम ऑन कीजिए सारे एक्सपर्ट्स आपको देख रहे हैं बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोगों थोड़ा ध्यान दो 11, 12, 13, 14, 15 चेंज फेस इनसाइड एंड रॉकिंग स्टार्ट 1, arms straight, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change, exercise change, flutter kicks, open and close, up and down, position, Nidhi, STC Hyderabad, come on, start, 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओपन एंड क्लोज कम ऑन अंबिका वन सानवी कम ऑन टू थ्री श्रीवत्स नेगी वेरी गुड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन बैक साइड टर्न योर बैक साइड हाथ कान के साथ नीज टाइट टोस टाइट स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओपन एंड क्लोज नीज टाइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक्सरसाइज चेंज डिप्स पोजिशन पे शोल्डर टचेस करेंगे कोपल कमान कोपल रेडी फास्ट 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 डिप्स पोजिशन पीयूष अग्रवाल अभी नहीं डिप्स पोजिशन पहले जल्दी से रेडी स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक्सरसाइज चेंज डिप्स करेंगे जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पहले अपने नीज पे डिप्स करेंगे फाइव टाइम्स और फाइव टाइम्स स्ट्रेट बॉडी डिप्स करेंगे छवि वर्मा कम ऑन बेटा स्टार्ट वन अप टू अप थ्री अप फोर अप फाइव अप स्ट्रेट बॉडी जो बच्चे स्ट्रेट बॉडी अभी भी नहीं कर पा रहे तो वो बेंड कर सकते हैं कम ऑन बाकी सब स्ट्रेट बॉडी स्टार्ट वन अप two up three up four up five and change relax mel khule kahe ha hum jaise dekhne chahe waisa hi aisi nazar apni khul ke soche aao pankh zara phalao rang na dikhao chalo 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 main khwab bol le धारे चलिए सभी बच्चे वापस अपनी जगह पे बच्चे सारे आपने वापस अपनी जगह पे सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप थोड़ा सा और अपने फोकस कीजिए सारे एक्सपर्ट और सारे कोचेस आपको देख रहे हैं आपके कोचेस भी आपको देख रहे हैं थोड़ा और अच्छा कीजिए सब लोग अपने स्टिक ले लीजिए सब लोग स्टिक अपनी ले लीजिए अब हम लोग करेंगे स्टैंड ऑन योर टोज और उस पोजीशन को होल्ड करेंगे जैसे कि रिपीटेशन पहले हम 10 करते थे 15 करेंगे 15 सेकेंड्स होल्ड करने स्टैंड ऑन योर टोज आर्म्स अप रेडी अप knees tight hips tight chest in 2 3 4 5 haath aur kaan ke saath 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, change. अब हम लोग करेंगे हैंडस्टैंड्स की बेसिक. स्टिक रख दीजिए, बैकलाइन पोजीशन पे लेट जाइए सब लोग, अपने स्टमक पे लेट जाइए, हाथ को आगे खुद खींचना है, हेड थोड़ा हाथ को देखेंगे, चेस्ट को थोड़ा इन रखेंगे, हिप्स टाइट करेंगे, नीज टाइट करेंगे, दोनों पैरों को खींचेंगे. रेडी अप, चेस्ट को थोड़ा गोल कीजिए, 2, 3, हील्स टुगेदर, 4, 5, 6, मिसेस गांधी टाइट, प्राची और थोड़ा टाइट कीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, सोम आर्म्स स्ट्रेट, 13, 14, 15, चेंज. अदर साइड, पीछे घूम के लेट जाइए. सोम बेटा आर्म्स को और खींचना है, आर्म्स और कान के साथ लगे रहेंगे. पलक आप भी ध्यान दीजिए इस चीज को. कम ऑन, रेडी स्टार्ट, 1, सिजल, लेग्स टुगेदर, 2, 3, 4, युविका और खींचो ऊपर, 5, 6, 7, चेस्ट इन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चेंज. सपोर्ट पोजिशन ऑल साइड, जल्दी से फास्ट फास्ट, कम ऑन सिजल, रेडी अप 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 अप, हील्स टुगेदर, कम ऑन पीयू, पीयू फ्रॉम इलाहाबाद, अप, 2, 3, 4, दोनों हाथ का डिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, हाथ इक्वल रहेंगे, हाथ आगे पीछे नहीं रहेगा, 8, 9, 10, 11, रेणुका उठाइए, रेणुका, 13, 14, 15, चेंज. अदर साइड बॉडी एक लाइन पे आरोही रोहन करो बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, चेंज. एक्सरसाइज चेंज, अदर साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knees tight, hips tight, 13, 14, 15, change, side change. रेहान बेटा हैदराबाद, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उठाइए उठाइए उठाइए, हिप्स उठाइए, कम ऑन कम ऑन, 4, 5, 6, 7, 8, पीएल पीएल, कम ऑन, 10, ट्विंकल, वेरी गुड गर्ल, ट्विंकल बहुत अच्छा कर रही है, 13, 14, 15, चेंज. अपनी जगह खड़े जाइए. अब हम लोग करेंगे वन लैग बैलेंस. देवयानी कोटल खड़े हुई अपनी जगह बेटा. सभी एक्सपर्ट सारे बच्चों को देख रहे हैं तो काफी अच्छा करना है. कम ऑन, रेडी स्टार्ट. आर्ची मिस्त्री गुजरात, वेरी नाइस गर्ल, कमॉन कमॉन, होल्ड होल्ड होल्ड, लेग्स फर्स्ट और ऊपर, नीचे और नीज को टाइट कीजिए, वासु लेग्स और ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, रिलैक्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. रोहित, यस सर, मैं रेडी हूँ, पर सिग्नल दे देना. हाँ सर. खेल से आबाद हो गए हम, आगे बढ़ने का चाहते हैं हम, मंजिल रोज़ा
चले, थैंक यू लखन सर, बैक ऑन योर प्लेस। सभी बच्चे अपनी जगह वापस आ जाइए। माही माही खड़े बेटा, माही माही फ्रॉम नागपुर। चलिए, वेरी नाइस। जिम्नास्टिक्स में मैं आपको बार बार बताऊंगा, जिम्नास्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जितनी अच्छी होगी उतना आपकी जिम्नास्टिक्स और एलिमेंट पे ब्यूटी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी से उस चीज को सीखना है, कैसे नीज टाइट करते हैं, कैसे टोस टाइट करते हैं। तो आप सब अपनी जगह पे बैठ जाइए। कम ऑन, सिट ऑन ए प्लेस, लेग्स फॉरवर्ड, एल पोजीशन पे बैठ जाइए। शिवानी भरद्वाज, हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। कम ऑन, नीज टाइट, टोस टाइट, पंजे खींच के बैठ जाइए। कम ऑन, हील्स टुगेदर, वेरी नाइस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, 4, 5, 6। भार्गवी बेटा नीज और टाइट कीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change। अब हम करेंगे L hold। Ready? Up। 1, 2, 3, 4। अर्नव बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। 5, 6, 7, 8 and down। वन मोर एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट पोजिशन जिमनास्टिक्स में, एल होल्ड और दूसरा है स्टडल होल्ड। बच्चों के लिए स्टडल होल्ड, तो थोड़ा सा पैर में खोल, डिस्टेंस खोलिए, डिस्टेंस, और कोशिश करना है जो आपका लेग्स है वो एल्बो के ऊपर होना चाहिए। रेडी, अप, नीज टाइट, टोस टाइट, चिन अप। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड चेंज। अब हम करेंगे वी की पोजीशन को होल्ड करेंगे, वी होल्ड नहीं करना है, जैसे हम वी बनाते हैं तो उसकी पोजीशन पे होल्ड करना है। इसमें क्या ध्यान देना है, आपके जो आर्म्स हैं हमेशा ईयर के साथ लगे रहेंगे, नीज को टाइट करना है, टोस को टाइट करना है। रेडी, अप, 1, 2, नीज टाइट, टोस टाइट। अर्शिन अर्शिन टोस टाइट कीजिए। 3, 4, 5, 6। सुखमन बहुत अच्छा कर रहे बेटा। 7, 8, 9 and 10 चेंज। दूसरी पोजीशन आती है टक पोजीशन, जैसे छोटे बच्चे हैं टक सोल्टो, फोर्थ सोल्टो करते हैं, बैक सोल्टो करते हैं, तो उसकी पोजीशन को फील करना अभी से। टक को खींचना है, नीज टुगेदर करना है, टोस टुगेदर करना है। रेडी, अप, टक पोजीशन पे घुटने मिले होने चाहिए, हील्स मिले होने चाहिए, टोस खींचे होने चाहिए। ज्ञान बेटा आप कर नहीं रहो, आप भी करो, कम ऑन। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भार्गवी महेश्वरी टोस टाइट। 12, 13, 14, 15 चेंज। अब जिम्नास्टिक्स में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लैंडिंग्स। लैंडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको लैंडिंग्स करने से पहले हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर सर है निवेश सर आपको कुछ टिप्स बताएंगे, तो उसको ध्यान से सुनना आप सभी को, ठीक है। थैंक यू रोहित। देखो अभी जिम्नास्टिक के अंदर सबसे ज्यादा महत्वता है, इंपॉर्टेंस है लैंडिंग की, चाहे वो रिदमिक जिम्नास्टिक हो, ट्रैम्पोलिन हो, एरोबिक्स हो,
एक्रोबेटिक्स हो, सब जगह लैंडिंग होता है और लैंडिंग की टेक्निक यदि सही है तो आपको सबसे पहले फायदा है कि एक तो आपको एग्जीक्यूशन में अच्छे मार्क मिलेंगे, दूसरा है आप चोट से बचते हैं। जितनी भी हमारी चोट लगती है बच्चों को एंकल या घुटने में, वो लैंडिंग के टाइम पे होती है। तो लैंडिंग की टेक्निक को अच्छी तरह सीखना बहुत जरूरी है। जो आपको अभी रोहित साहब बताएंगे अभी लैंडिंग, वो हमारी लैंडिंग है एक्चुअली बैकवर्ड समरसॉल्ट। बैकवर्ड मूवमेंट जब हम करेंगे ना उसके लिए हमने बताई, इसी प्रकार हम फॉरवर्ड समरसॉल्ट या फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए भी लैंडिंग होती है। पर हम बच्चों को विशेष तौर पे ये एडवाइस नहीं करते हैं कि साइड में लैंडिंग ना करें। तो आगे और पीछे, मतलब आगे जंप करके भी हम लैंडिंग कर सकते हैं और पीछे जंप करके भी लैंडिंग कर सकते हैं, पर साइड के लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं। साइड में बच्चा कोई लैंडिंग नहीं करेगा, चोट के ज्यादा चांस होते हैं। और आपको अभी ये बताया जाएगा कि लैंडिंग के अंदर जब हम हवा से, जब एयर से जब लैंड करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, चाहे समरसॉल्ट हो, चाहे बैक हो या फॉरवर्ड हो या ट्विस्ट हो, तो हमें लैंडिंग के पहले बॉडी को खोलना जरूरी है। ये आपके माइंड में होना चाहिए बच्चों के। जब आप सीखेंगे समरसॉल्ट तो समरसॉल्ट के जब लैंड के पहले आपका बॉडी पूरा सीधा होना चाहिए, तभी आपका लैंडिंग अच्छा होगा। यदि आपकी बॉडी टक है या हुक है या टेढ़ी है या झुकी हुई है तो जो लैंडिंग होगा वो परफेक्ट लैंडिंग कभी भी नहीं होगा और चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जब हवा में होते हैं जब आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए और सबसे पहले जो बॉडी टच पार्ट जो आपका टच होगा फ्लोर पे वो होगा टो, बॉल ऑफ फुट, उसको बॉल ऑफ फुट बोलते हैं। टो मतलब बॉल ऑफ फुट। सब ये सब एक सिंक्रोनाइज वे में होता है, एक के बाद एक, इसमें अलग अलग नहीं होता है। और रोहित साहब आपको बताएंगे बॉल ऑफ फुट के बाद आपका रोल आता है आपको इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको हील टच करना है, इससे आपका एंकल के अंदर जॉइंट आ जाएगा। और इसके साथ आपको फिर नी बेंड करना है और इसके बाद आपका हाथों के साथ ऊपर का जो ट्रंक है उसको बेंड करना है। तो ये एक लाइन तरतीब है इसका। यदि हम फोटो यदि खींचेंगे इसकी तो आपको बराबर दिखेगा, पहले बॉल ऑफ फुट आया, फिर हमारे नी मुड़े हैं, बेंड हुए हैं, फिर ऊपर ट्रंक हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हाथों का, वो आपको यहाँ सीखना है। आपको रोहित साहब कराएंगे कि जो हाथ है हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। यदि हम साइड में जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं वो बैलेंस करते हैं। तो जब हमारे हाथ में, मेरे को मैडम उस पर लाओगे फुल स्क्रीन पे निकिता मैडम, चलो कोई बात नहीं, रोहित बताएंगे। हाथों को आप नीचे दबाना है, यू हैव टू प्रेस द आर्म डाउनवर्ड। आर्म्स हमारे चौड़े होंगे थोड़े शोल्डर से और हाथों में प्रेशर होना चाहिए, हम नीचे की तरफ दबाएंगे तभी हमारा बैलेंस मेंटेन होगा। तो ये सभी बातें आपको रोहित अभी बाय पार्ट कराएंगे और फिर प्रैक्टिस करना है, इसलिए मेरे समय लिया आपका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जिम्नास्टिक्स में लैंडिंग है। मिस्टर रोहित कृपया अपना क्लास शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिना जंप के। पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। तो जो सर ने जैसे बताया कि ये बॉल ऑफ फुट यानी आपके जो पैरों की उंगलियां हैं उसके नीचे जो आपका गोल वाला हिस्सा होता है, वास्तव एक बार दिखाइए उस टोस पे आगे दिखाइए, नहीं पहले हाँ ये और थोड़ा नीचे नीचे नीचे, हाँ ये जो होता है ये हिस्सा पहले लगेगा, जो बॉल ऑफ फुट है वो लगेगा। उसके बाद आपका हील्स लगेगा, थोड़ा सा हील्स, फिर नीज को स्लाइटली बेंड करना है, नीज को स्लाइटली बेंड करना है और हिप्स को थोड़ा डाउन लाना है और आर्म्स को नीचे लाना है। और आर्म्स जैसे सर ने बताया, आर्म्स का बहुत बड़ा रोल है। आर्म्स जैसे आपकी स्टीयरिंग होती है वैसे आर्म्स होता है लैंडिंग कंट्रोल करने के लिए। और जो आपका ये आईज है वो साइटली आगे की तरफ देखना है, ठीक है। एक बार सब लोग करेंगे, रेडी जंप अप, धीरे धीरे करेंगे अप। पहले बॉल ऑफ फुट लगेगा, फिर हील्स को थोड़ा लगाइए, नीज को स्लाइटली बैंड कीजिए नीचे, जैसे सॉफ्ट ऑब्जर्विंग करते हैं ना, जैसे कुछ बॉल की तरह शॉट अब्सॉर्ब करते हैं। फिर हिप्स थोड़ा डाउन आएगा, आर्म्स लिटिल फॉरवर्ड और लिटिल ओपन एंड लुक फॉरवर्ड, वेरी नाइस। अब हम लोग करेंगे इस तरह से, अब कंटिन्यू करेंगे, लैंडिंग करेंगे और लैंडिंग की पोजीशन पे 5 सेकंड होल्ड करना है। रेडी, 1 अप, 1 2 3 4 5 अप, 1 बैक थोड़ा सा स्ट्रेट और थोड़ा नीचे बैठिए, 2 3 4 5 अप, वेलोलिना फॉर्म गुवाहाटी, बहुत अच्छा कर रहे हो। 2 आर्म्स थोड़ा सा वाइडर, आर्म्स थोड़ा सा वाइड रखिए, आर्म्स थोड़ा सा वाइड, 2
थ्री फोर फाइव अप वन। पैर बहुत ज्यादा नहीं खोलना है, शोल्डर लेवल तक खोल सकते हैं, ज्यादा नहीं। कोशिश की पैर थोड़ा मिला रहे, ज्यादा नहीं खोलना है। अप अप इस पोजीशन को फील कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। श्री रेड्डी बहुत अच्छा कर रही है। रेडी अप एंड वन मोर टाइम अप वेरी गुड वेरी गुड। सबने बहुत अच्छा किया। अब इसमें एक ध्यान देने वाली क्या चीज थी, जब लैंडिंग हम खत्म करते हैं तो उसकी फिनिशिंग पोजीशन क्या होगी। जब पैर खुले रहते हैं तो उठते उठते हील्स को मिलाना है और लैंडिंग शो करनी है। एक लास्ट पोजीशन देख ले वासु, स्पेस सामने की तरफ, फेस सामने की तरफ, पैर खोल के लैंडिंग पोजीशन दिखाओ जरा, हल्का सा पैर खोलो। अब जब उठेंगे तो हील्स को मिलाना है, वी बनाना, हील्स को वी बनाओ, हील्स मिलाओ ये, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब एक बार सब लोग अपने पल्स ले लीजिए, हार्ट रेट ले लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए। रोहित बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। भूमि बेटा हार्ट रेट लीजिए अपना, भूमि, सभी बच्चे अपना हार्ट रेट लीजिए जैसे सर ने बताया था आपको। सुजैना बैंगलोर बेटा हार्ट रेट लेके अपनी डायरी में लिखिए, चैट बॉक्स में भी लिखिए। कौन कौन फास्ट और फास्ट, चलिए वेरी नाइस। चलिए बैक ऑन योर प्लेस, बैक ऑन योर प्लेस, फास्ट फास्ट जल्दी। मैत्री बेटा जल्दी अपने प्लेस पे आइए, मैत्री फ्रॉम टेलीचेरी एंड स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। पूरी की पूरी बॉडी एक लाइन पे रहेगी, वन टू थ्री फोर। फिंगर्स मिले हुए, जो हाथ के फिंगर्स है टाइट, किसी का ये कलाई नीचे की तरफ नहीं, कलाई स्ट्रेट, शोल्डर लेवल पे, साइड चेंज। राघव बेटा कम ऑन, साइड स्प्लिट में क्या ध्यान है, जब पीछे का नीज स्ट्रेट होगा एक लाइन पे बॉडी। रीमा जैते ही कम ऑन, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। श्लोक फ्रॉम पुणे बहुत अच्छा करो बेटा, रुद्रानी आप भी बहुत अच्छा करो। साइड चेंज, साइड चेंज, कौन कौन फास्ट फास्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेटल लेग में, फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेटल लेग में। रेडी, अपनी स्टिक ले लीजिए, टेक योर स्टिक, अपनी स्टिक लीजिए जल्दी से। रेडी एंड बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, पूरा खींच के एकदम आगे लेके जाना है, स्ट्रेच फॉरवर्ड। और ट्राई कीजिए जो आपकी स्टमक है वो नीचे लगना चाहिए, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। लेग्स टुगेदर, अब इसी चीज को हम पैर मिला के करेंगे, लॉन्ग सिटिंग पोजिशन में लेग्स टुगेदर। इशिता चौधरी जल्दी कीजिए थाने, एंड बेंड फॉरवर्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वेरी गुड। स्टिक को साइड में रख दीजिए, स्टिक साइड में। अब नाउ शो मी ब्रिज पोजीशन, ब्रिज करना नहीं है, पहले ब्रिज पोजीशन दिखाइए मुझे सब लोग। हाथ कान के पास, लेग्स बैंड, वेरी नाइस। रेडी अप, वन टू थ्री, नीज टाइट और क्लोज कीजिए। राधा देशमुख का क्लोज करो बेटा, और क्लोज करो, सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हम लोग फ्रंट लाइन पोजीशन पे शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को पीछे लेके जाइए, आर्म्स को पीछे लेके जाइए। सागर कम ऑन,
कमन कमन राधा कमन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वेरी गुड ऑन योर नीज सिटिंग ऑन योर नीज सिटिंग ऑन योर नीज सिटिंग ऑन योर नीज एंड गो फॉरवर्ड आगे 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 रिलैक्स रिलैक्स एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए बॉडी एकदम रिलैक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन हम लोग लास्ट एक्सरसाइज करेंगे सब आसन पोजिशन में सब लेट जाइए अपनी जगह पे सब आसन पोजिशन पे लेट जाइए सब लोग और मैंने क्या बताया था दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा आर्म्स के बीच में डिस्टेंस रहेगा हथेलियां सामने की तरफ आईज क्लोज अपने नेक को रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट या राइट साइड पूरी की पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए फील कीजिए आपकी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स है आपका पूरा का पूरा बॉडी फ्लोर के ऊपर है रिलैक्स दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए आर्म्स रिलैक्स आईज क्लोज फेस पे कोई टेंशन नहीं ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए आपके बॉडी में कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे सांस बाहर जा रही है दोनों हाथों पैरों को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए चलिए बहुत ही अच्छा अब धीरे से सब बच्चे अपनी जगह उठ के बैठ जाएंगे धीरे से अपनी जगह पर सब लोग उठ के बैठ जाइए धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाइए सब लोग उठ के और धीरे धीरे आंख खोल लीजिए सभी बच्चे अपनी जगह उठ के बैठ जाइए और आईज खोल लीजिए धीरे से निभा सर डन सर ओके थैंक यू सर सेशन बड़ा अच्छा रहा और मैं देख रहा हूँ कई बच्चे ने बड़ा जोर लगा के किया पसीना आ गया है और उनका एग्जैक्टली पोजीशन उनके पेरेंट्स ही जान सकेंगे कि उनकी हार्ट रेट की क्या पोजीशन है तो हार्ट रेट ने आपको बता दिया था सही ढंग से लेंगे तो सही रिपोर्ट मिलेगी अभी सीख भी रहे होंगे कई बच्चे तो कोई बात नहीं और ये जो भी हार्ट रेट आती है ये अपने डायरी में लिखना जरूरी है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कई सीनियर कोच इसको भी देख रहे हैं यदि मैं विमेन सेक्शन में देखूं तो डॉक्टर कल्पना देवनाथ अर्जुन अवार्डी मैडम सोमा नंदी मैडम स्मृति किरण शर्मा ये सभी अच्छी तरह देख रहे हैं बच्चों को और इसी प्रकार मेन सेक्शन के अंदर डॉक्टर जी एस बाबा और सीनियर मोस्ट एक्सपर्ट एंड द्रोणाचार्य डी के राठौर मिस्टर चेंबुरकर साहब ये सभी इसको देख रहे हैं तो मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जिस प्रकार का हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है ग्रास रूट लेवल के लिए बिना जिम्नेशियम के चल रहा है जिमनास्टिक के तो इसी को अभी एफआईजी ने भी एफआईजी की जो कमेटी है एफआईजी की जो एजुकेशन कमेटी की कमेटी है जिसके हेड हार्डी फिंक है वो उन्होंने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है वेबिनार पे ये कृपया आप नोट करने और फेसबुक पे भी ये आ रहा है इसका एडवर्टाइजमेंट तो ये कोचेस से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे पेरेंट्स से ये प्रोग्राम को भी जरूर देखें वो भी प्रोग्राम एफआईजी जो हमारा एजुकेशन कमीशन है वो इसको करने जा रहा है 11 जून कल 4 PM GMT हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं ये रात को हो जाएगा जीएमटी के हिसाब से ये प्रोग्राम हो रहा है और स्पेशली ये गर्ल्स जिम्नास्टिक के लिए हो रहा है इसका उन्होंने नाम दिया है कि जिम्नास्टिक विदाउट जिम्नेजियम विदाउट एपरेटस तो इसी से मिलता जुलता हमारा प्रोग्राम होगा तो मैं सभी अपने कोचेस साहबान है जो गार्जियन है पेरेंट्स है उनसे निवेदन होगा कृपया इस साइट को जरूर देखें कल 11 जून को थर्सडे 4
4 PM GMT अपना इंडियन टाइम में, उसको आप कैलकुलेट कर लें अकॉर्डिंगली। आप वेबिनार पे इसको इसको देख सकते हैं, हालांकि इनकी आईडी नहीं दे रखी है, पर आप कोशिश करेंगे उस पे फेसबुक पे तो आपको मिल जाएगी इसकी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब बिफोर आई कम्स टू द कमेंट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट, मैं ये कहता हूँ थोड़ा आप अपने निगरानी में रखें, जो अच्छा होना चाहिए हमारा एम था। तो सबसे पहले मैं हमारे श्री आर एन मंगला जी को इनवाइट करता हूं कि वो अपने आज के सेशन के ऊपर कुछ कमेंट्स करें। श्री मंगला, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रोहित, आपने बहुत अच्छा इसको कंट्रोल करके कराया, बच्चों को काफी इंफॉर्मेशन दी, और मैंने ये देखा कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में बच्चों ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और जो मैंने हार्ट रेट देखी है चैट बॉक्स में, उसका जो रेंज है वो 102 से लेके 130 के बीच में है। इसका मतलब है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और ऑनेस्टली दे आर डूइंग वर्किंग वेरी हार्ड। और कुछ बच्चों की थोड़ी ज्यादा है, वो शायद लेने में गलती हुई होगी, तो मेरा निवेदन है कि वो पेरेंट्स उनको थोड़ा हेल्प करें। कुछ बच्चे मैंने नोट किए थे, जैसे पीयूष है, छवि वर्मा है, एक कोई मोबाइल के ऊपर है 578576FE982, परिधि है, अनन्या हैदराबाद है, प्राची पुणे है। ये काफी लोगों ने एक्सरसाइज की है और इसमें पेरेंट्स कुछ हेल्प भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं। तो पैर की पोजीशन को आप जरा ठीक रखें तो उससे आपको काफी फायदा होगा ये एक्सरसाइज करने में। ब्रिज में मैंने एक नोट किया कि बच्चे ब्रिज सभी कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग बेस है, आपका आर्म जो है वो कंधे के नीचे आना चाहिए, जैसे कि वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। सीधे हाथ रहेंगे आप, शोल्डर, इसमें शोल्डर स्ट्रेचेबिलिटी भी आती है। तो इस सब के साथ मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों का एफर्ट्स बहुत अच्छा है, पेरेंट्स ने अच्छा किया। और आज एक और चीज मैंने नोट की कि ज्यादातर लोग बच्चे अपने नाम से लॉग इन किया है। कुल मेरे को 17-18 बच्चे ऐसे दिखे हैं जिन्होंने फोन मोबाइल के ऊपर लॉग इन किया है। उनसे और उनके पेरेंट्स से मेरी निवेदन है कि वो आगे से हर जगह किसी भी सेशन में नाम से लॉग इन करें। धन्यवाद। धन्यवाद मंगला सर। आज मैडम संध्या हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाई है, तो अब मैं डॉक्टर रविंदर से निवेदन करता हूँ। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रविंदर टू प्लीज गिव योर एक्सपर्ट्स कमेंट ऑफ टुडेस क्लास। डॉक्टर रविंदर। हाँ सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। ओवरऑल इट वाज वेरी गुड सेशन, ऑल द चिल्ड्रन आर इंप्रूविंग डे बाय डे। इट्स वेरी नाइस दैट पेरेंट्स आर टेकिंग सो मच पेन, एंड एस्पेशली मिस्टर रोहित, रियली इट वाज वेरी 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 गुड, वेरी गुड सेशन, एंड आई होप एवरीबॉडी विल मेक ए नोट ऑफ इट रिगार्डिंग द लैंडिंग दैट our Mr. Nirbhay Singh, program director, explained. He has been doing research on this landing ability. So he is sharing with you people. Really, you are very lucky. So please concentrate upon the landing and improve your landing positions. I want to clear 1-2 points. That is Mr. Arsh, Mr. A-R-S-S-H, Arsh. His heart rate is in resting pulse rate 120, and when he is doing it is 144. In such cases, parents may please concentrate while taking your heart rate. And like that, there are few children, Harshika, Hasini, Deepika, Siddharth, Lavanya, and Swami Sharma. These people are unable to take proper heart rate, or maybe something wrong in that. Please concentrate on it. Overall, it was an excellent session. Thank you very much. Thank you, Dr. Ravinder. One more important information for all the participants, ये जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं ये सभी आपको अपने साई की जो वेबसाइट है www.sai.nic.in पे जाके इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जितने भी हमारे सेशन हुए हैं, ग्रास रूट के हुए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट ग्रुप के हुए, सभी वहाँ पे लोड रहते हैं।
और एक और जानकारी जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो FIG का लड़कियों के लिए प्रोग्राम हो रहा 11 तारीख का, यदि आप नहीं देख सकते हैं तो YouTube पे ही अवेलेबल होगा, FIG की साइट पे जाके YouTube पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको और हेल्प मिलेगी जो आप कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। तो हम तो हमें खुशी है कि भी हमने ये काम पहले शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पर FIG ने भी अभी ये स्टेप उठाया कि भी विदाउट जिम्नेजियम विदाउट एपरेटस कैसे जिम्नास्टिक्स के हम फिट रह सकते हैं। तो जरूर पेरेंट्स को देखें, यूट्यूब पे मिलेगा, 11 तारीख का है, 12 तारीख को वो आप देख सकते हैं इसको। अभी मैं डॉक्टर पठानिया से बोलना चाहूंगा, यदि कुछ आप ऐड करना चाहें। डॉक्टर पठानिया साहब, आर यू हियर? मैडम निकिता है? मैडम यस सर। पठानिया साहब है? नहीं सर, पठानिया सर नहीं है। ओके, तो we conclude our session today, or once again I say again on Friday we are joining same time 8 o'clock. Become prepared, do your general warming up. Parents se phir nivedan hai ki unki diary maintain kare, diary mein exercises likhe, aur ye jo exercises hum kara rahe hain isko exercise ki body position to hai hi, iske sath sath hamare jo andar jo muscle taiyar hote hain wo bhi taiyar ho rahe hain, तो हम स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी तैयार कर रहे हैं, तो आपको यह भी महसूस नहीं होगा, और जब आप एक दो महीने बाद आप देखेंगे तो इन्हीं पोजीशन का आपको फायदा होगा। और जिम्नास्टिक चाहे कोई भी हो, चाहे रिदमिक हो, चाहे आर्टिस्टिक हो, चाहे ट्रैम्पोलिन हो, एरोबिक्स हो, ये सभी बॉडी पोजिशन में होती है जो हमने आपके बच्चों ने किए है। तो मैं यहाँ आज का प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू एवरी वन, थैंक यू निकिता मैडम फॉर कोऑपरेशन।